नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जिसका नाम है दोई पोटोल। दोई मतलब होता है दही, और पोटोल को जिसे हिंदी में कहा जाता है परवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से दही परवल बनाती हूँ। यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा बड़ी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चने के दाल को सारी रात भिगो के रखा था। उसके बाद सुबह मैंने इसका पानी अच्छे तरीके से झड़ा के इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कलौंजी के साथ मिक्स करके उसके बाद में ऑयल में इस तरीके से फ्राई कर लूँगी, जिस तरीके से पकोड़े फ्राई किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन का नहीं हो जाता तब तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये जैसे ही फ्राई हो जाता है इसको मैं अलग करके निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने छोटे छोटे परवल को काट के रखे हुए हैं, उसे भी हमें इसी तरीके से फ्राई करने होंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पहले हम बड़ी को फ्राई कर लेते हैं। बड़ी जो है वो फ्राई हो चुके हैं, उसे मैंने अलग से निकाल लिए हैं। अब मैं परवल को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वो बहुत जल्दी आपको दिखाया है, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट में दिखाया है। परवल को मैंने फ्राई कर लिया है। उसी ऑयल में मैं अब आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। पहले मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा ऐड किया है। ज़ीरा जो ऐसे ही थोड़ा सा हल्का भून जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू ऐड कर लिए हैं। आलू को थोड़ा सा ही हम भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में आलू को हम फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसमें एक क्रंचीनेस आ जाए। उसके बाद हम मसाले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्याज, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन मैंने यहाँ पर पीस लिया है। और एक बात मैंने जो आपको बताना मैं भूल गई हूँ, मैंने आपको नहीं दिखाया है इसमें, वो है कि मैंने पीसते समय हरी मिर्च भी यहाँ पर ऐड किया है। हरी मिर्च के साथ मैंने मसाले को पीस लिया है। अब मैंने वो पीसा हुआ मसाला जो है आलू में मैंने ऐड किया करके अच्छे तरीके से हमें मिक्स करके मसाले को भून लेना है, जब तक कि इस मसाले का जो कच्चा एक स्मेल है वो ना जब तक दूर हो तब तक हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। करीबन 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। करके अब मसालों के साथ हमें अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। थोड़ा हम अच्छे तरीके से चला लेंगे, करीबन 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चला लेंगे इसको। अब हम 1 मिनट बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़े समय के लिए स्टॉप हो जाए और मसाले जो है वो जले ना, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। करने के बाद अब हम पानी इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम में, जब तक कि ये मसाला जो है वो तेल नहीं छोड़ता तब तक हम इसको भून लेंगे। उसके बाद हम फिर और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करके उसी तरीके से हम थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को दोबारा से। उसके बाद आप देख सकते हो, 2 बार मैंने फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने दही ऐड किए हैं। 3 से 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है। दही को अच्छे तरीके से मैंने पहले फेंट लिया है, फेंट के फिर मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो फ्लेम से हटा के कढ़ाई को उसके बाद दही ऐड कर सकते हो, या फिर दही को ऐड करने के बाद तुरंत बाद ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि ये दही फटे ना। नहीं तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि फ्लेम में दही अगर देते हो आप तो फटने का डर रहता है, इसलिए हमें अलग अलग प्रोसेस से दही अगर हम यूज़ करें
तो दही नहीं फटेगा। उसके बाद हम इसको दही के साथ थोड़े मसाले को मिक्स करने के बाद हमने जो बड़ी और जो परवल हमने फ्राई करके रखे थे उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मिक्स करके हम 2 मिनट इसके साथ थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। करीबन मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया है क्योंकि ये जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसमें बड़ी है जो कि पानी बिल्कुल गाढ़ा कर देगा, इसलिए हमें 1.5 कप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इसे बॉईल होने के लिए थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे। करीबन मैंने यहाँ पर 8 से 9 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में इसे छोड़ दिया था जिससे कि ये अच्छे तरीके से बॉईल हो और ये जो पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। देखिए 10 मिनट बाद इस तरीके से ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। आज की ये रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।